नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल दिलीप में। मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कैनन 200D DSLR कैमरा के बारे में। इसके साथ दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको कैनन 200D DSLR कैमरा की अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों आपको पता चल जाएगा जब आप कैनन का 200D DSLR कैमरा वो परचेज कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उस बॉक्स में आपको दोस्तों कैमरा के अलावा क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं कैनन 200D DSLR कैमरा के कुछ फीचर्स के बारे में भी आपसे बातें करूंगा। कैनन का 200D DSLR कैमरा ज्यादातर दोस्तों यूट्यूबर में बहुत पॉपुलर है, और जितने भी दोस्तों यूट्यूबर हैं वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप कैमरा ले रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, कैनन का 200D DSLR कैमरा बेस्ट कैमरा है आपके लिए। कैनन 200D DSLR कैमरा को अगर किड लेंस के साथ लोगे तो दोस्तों बहुत कम बजट में आपको मिल जाएगा। अगर आप डुअल लेंस के साथ लोगे तो दोस्तों आपको थोड़ा पैसे और भी खर्च करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों जो कैनन का 200D DSLR कैमरा मैंने लिया है वो किड लेंस के साथ लिया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी कैनन का 200D DSLR कैमरा किड लेंस के साथ। तो लेट्स सी दिस वीडियो। के अंदर आपको मिलता है एक बैग, जो है DSLR बैग, जिसमें आप अपने DSLR को कैरी कर सकते हैं। इस बैग के अंदर दोस्तों आपको ज्यादातर पॉकेट देखने को मिल जाएंगी। लेंस की अलग से इसमें पॉकेट दी गई है और कैमरा की अलग से पॉकेट दी है। इसमें आप बैटरी कार्ड सब कुछ रख सकते हैं। इस बैग के अंदर दोस्तों आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा जो इस DSLR की वारंटी होगी। दोस्तों मैंने ऑनलाइन परचेज किया तो ये 2 साल की वारंटी मुझे इस कैमरे के साथ मिल जाती है। और ये कैमरा के साथ दोस्तों जो बैग आता है वो एक वाटरप्रूफ बैग है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं अपना DSLR रखकर। बॉक्स को ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें एक और बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको कैमरा और उससे रिलेटेड सारी एसेसरीज इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों आपको 16GB का कार्ड एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो दोस्तों अब इस बॉक्स को भी हम ओपन करते हैं। ऑर्डर किया है, अगर आप डुअल लेंस के साथ इसे ऑर्डर करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें मिलती है चार्जर प्लस बैटरी, जो हम DSLR की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कैनन का बैंड मिलता है जो DSLR में हम लगा सकते हैं। मैंने सिंगल किट के साथ इसे ऑर्डर किया था तो मुझे सिंगल लेंस मिला है जो है 18-55 का। ज़्यादातर दोस्तों यही लेंस यूज किया जाता है 18-55 का। और उस लेंस के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लेंस कवर भी इसके संग एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, जो कभी कभी फ्री नहीं मिलता। तो लेंस भी दोस्तों बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें मिलता है 16GB का मेमोरी कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड जो सैंडिस्क का है अल्ट्रा का, तो ये कार्ड भी इसके साथ आपको एकदम फ्री मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बुक्स वगैरह कुछ ऐसी मिल जाएगा जो आप रीड कर सकते हैं अगर DSLR के बारे में नहीं जानते। और आपको फिर मिलता है इसके अंदर DSLR की बॉडी। तो फाइनली दोस्तों ये है DSLR की बॉडी कैनन 200D की। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है कैनन 200D DSLR की बॉडी, और बहुत ही लाइट वेट है इसका। निकॉन के अलावा कैनन के जो भी कैमरे आते हैं DSLR वो दोस्तों हल्के रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्किन है वो भी मूवेबल है, आप सेल्फी वाली वीडियो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं जब आप कैनन 200D DSLR को लेते हो तो उस बॉक्स के अंदर हमें बस यही चीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों एक नजर देखते हैं कि कैनन 200D DSLR के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है। We'll be right back.
सबसे पहले मैं दोस्तों इस DSLR की फ्लैश लाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगर आप दोस्तों नाइट में शूट कर रहे हो फोटो या फिर इंडोर में आप शूटिंग कर रहे हो तो इसमें दोस्तों आपको फ्लैश लाइट तो मिल जाती है, इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें माउंट फ्लैश भी देखने को मिल जाती है जो ज्यादा का दोस्तों DSLR में नहीं रहती। फ्लैश लाइट और माउंट फ्लैश लाइट ये दोनों लाइटिंग आपको DSLR के साथ मिल जाती है, यानी कि आप नाइट में भी दोस्तों क्लियर ब्राइट नेट HD के पिक क्लिक कर सकते हो। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं DSLR में आपको कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको इसमें ब्लूटूथ मिलता है, वाईफाई मिलती है, NFC मिलती है, यानी कि कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स आपको DSLR में मिल जाएंगे। जो स्क्रीन आपको मिलती है वो 3 इंच के लगभग है। इसके अलावा आप इसकी जो डिस्प्ले है उसे मूवेबल कर सकते हो, यानी कि चारों तरफ आप घुमा सकते हो। जिस जगह आप वीडियो बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, चाहे आप सामने बना रहे हो चाहे पीछे बना रहे हो, तो इसकी स्क्रीन को आप घुमा सकते हो और आसानी से अपनी वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में आपको एक और फीचर देखने को मिलता है, वो है टच स्क्रीन, यानी कि कैनन के 200D DSLR कैमरा में आप इसकी डिस्प्ले को मूवेबल भी कर सकते हो और टच स्क्रीन का यूज भी कर सकते हो। इसमें बटन भी अलग से दिए गए हैं और टच स्क्रीन का फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको माइक्रोफोन का फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों एक DSLR के साथ आप वीडियो और वॉइस एक साथ शूट कर सकते हो। तो दोस्तों कैनन के 200 DSLR कैमरा में और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों बिगिनर हो, कोई DSLR परचेस करने की अगर सोच रहे हो, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि अगर आप DSLR ले रहे हो तो कैनन का 200 DSLR कैमरा बेस्ट कैमरा है, जिसको अगर आप लेते हो तो 1 या 2 साल तक आप ये नहीं कहोगे कि हमें अब दूसरा कैमरा चाहिए। ये कैमरा दोस्तों आप आसानी से 2 या 3 जितने साल आप इस कैमरा से निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इसी तरह और भी दोस्तों नई नई वीडियो आने वाली है और अलग ही अलग टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर आप और भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।